हाय फ्रेंड्स मैं सीओम आज हम डिस्कस करेंगे मोनो डिस्पर्सिटी और पीडीआई ओके पीडीआई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या फार्मूला यूज करते हैं दैट आई विल सी इन दिस वीडियो ओके मोनो डिस्पर्सिटी एंड मोनो डिस्पर्स सिस्टम एंड पॉलि डिस्पर्सिटी एंड पॉलिटिस्पर्स सिस्टम इसमें डिफरेंट क्या होते हैं दैट आल्सो आई विल सी इन दिस वीडियो ओके अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ओके तो फर्स्ट आई विल सी मोनो डिस्पर्सिटी ओके व्हेन इन ए सिंपल इन वेन इन ए सिंपल केमिकल कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर वेट ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स नोन एज मोनो डिस्पर्सिटी और मोनो डिस्पर्स सिस्टम व्हेन इन ए सिंपल केमिकल इफ कोई भी केमिकल है सिंपल केमिकल कंपाउंड हैविंग सेम मॉल्यकुलर वेट उसमें सेम मॉलिकुलर वेट अगर है ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स में सारे मॉलिक्यूल्स में अगर सेम मॉलिकुलर वेट है तो वो सिस्टम क्या होता है मोनोडिस्पर्स सिस्टम और मोनोडिस्पर्सिटी ओके अकॉर्डिंग टू आई अकॉर्डिंग टू आई इफ़ पीडीआई लेस देन 0.05 इफ़ पीडीआई लेस देन 0.05 देन सिस्टम कंसीडर एज मोनोडिस्पर्स सिस्टम ओके देन सिस्टम कंसीडर एज कंसीडर एच कंसीडर एच मोनोडिस्पर्स सिस्टम अगर पी डी आई की वैल्यू जो है एज फॉर आई एस ओ इफ पी डी आई वैल्यू लेस देन जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओके अगर जीरो पॉइंट जीरो फाइव से कम है तो वो सिस्टम क्या होगा मोनोडिस्पर्स सिस्टम ओके यानी मोनोडिस्पर्स सिस्टम जो है वो पी डी आई वैल्यू पर भी डिपेंड करता है ओके मोनोडिस्पर्स सिस्टम नेक्स्ट है फॉर मोनोडिस्पर्स पॉलीमर के लिए मॉलिकुलर वेट में क्या है एम डब्ल्यू अपॉन एम एन इज्कल टू एम जेड अपॉन एम डब्ल्यू इजक्ल टू वन ओके फॉर मोनो डिस्पर्स सिस्टम एम डब्ल्यू का मतलब क्या है वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट ओके एम एन का मतलब क्या है नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट एंड एम जेड का मतलब मीन्स क्या है सेडिमेंटेशन एवरेज मॉलिकुलर वेट ओके एम डब्ल्यू का वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट ओके ओके एंड नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखेंगे मोनोडिस्पर्स का कि कैसे जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स के मोलिकुलर वेट का जो साइज होता है या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इक्वल में है अगर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोडिस्पर्स सिस्टम ओके स्ट्रक्चर ऑफ मोनोडिस्पर्स सिस्टम में सेम होते हैं ओके मॉलिक्यूल्स साइज़ जो होते हैं और मोलिकुलर वेट दोनों सेम होते हैं ईच मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट सेम होता है ओके दैट यू कैन सी ओके नेक्स्ट इफ एम वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट एंड नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट इजक्ल टू वन है देन मोनोडिस्पर्स सिस्टम हैविंग सेम चैन लेंथ ओके इफ एम डब्ल्यू अपान एम एन इजक्ल टू वन है देन मोनोडिस्पर्स सिस्टम हैविंग सेम चैन लेंथ ओके अगर एम डब्ल्यू एम एन से एवो है या लेस देन है तो पॉलीडिस्पर्स सिस्टम होनेगा ओके नेक्स्ट आई विल सी पॉली डिस्पर्स सिस्टम ओके नेक्स्ट पॉलीडिस्पर्सिटी ओके पॉलीडिस्पर्सिटी क्या है ओके फैन पॉलीमर हैविंग मोनोमरिक यूनिट पॉलीमर में मोनोमरिक यूनिट होती हैं ओके okay? तो वन पॉलीमर हैविंग मोनोमरिक यूनिट विथ डिफरेंट मॉलिकुलर वेट ओके जो भी मोनोमरिक यूनिट है पॉलीमर में वो डिफरेंट मॉलिकुलर वेट के साथ है ड्यू टू डिफरेंट मॉलिकुलर साइज ओके उसकी जो मॉलिकुलर की साइज़ भी है वो डिफरेंट है ओके okay? देन नॉन एज पॉली डिस्पर्सिटी और पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स ओके यानी कि मॉलिकुलर वेट जो है मोनोमर का वो डिफरेंट हो और डिफरेंट मॉलिकुलर साइज भी हो तो वह कौन से सिस्टम में आता है पॉली डिस्पर्सिटी सिस्टम एंड पॉली डिस्पर्सिटी ओके अकॉर्डिंग टू आई एस ओ अकॉर्डिंग टू आई एस ओ ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू आई एस ओ दी डी आई वैल्यू पी डी आई वैल्यू इफ Greater than if greater than PDI value, ISO ज, ग्रेटर देन जीरो पॉइंट सेवन इफ ग्रेटर देन जीरो पॉइंट सेवन अगर पी डी आई वैल्यू आई एस ओ के हिसाब से ग्रेटर देन यानि जीरो पॉइंट सेवन से ज्यादा है तो सैंपल कंसिडर एज ए पॉली डिस्पर्सिटी ओके तो वो सैंपल जो होगा वो कं किस में आएगा पॉली डिस्पर्सिटी सिस्टम में ओके okay? नेक्स्ट देखेंगे इफ़ एम डब्ल्यू अपान एम एन इज ग्रेटर देन वन ओके अगर लेस देन वन है या इक्वल टू वन है तो वो मोनोडिस्पर्स सिस्टम में रहेगा अगर इससे ग्रेटर देन वन है ग्रेटर देन है मोलिकुलर वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट और नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट से तो वो सिस्टम कंसीडर एज अ पॉली डिस्पर्स पॉली डिस्पर्स सिस्टम होगा ओके हैविंग वराइटी ऑफ चैन लेंथ ओके नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉली डिस्पर्स सिस्टम ओके सेम कैसे इसको शो करते हैं पॉलीडिस्पर्स सिस्टम में देखिए इसकी जो साइज़ होगी वो डिफरेंट है मोलिकुलर वेट भी डिफरेंट होता है ओके ऐसे आप बना सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है और डिफरेंट डिफरेंट मोलिकुलर वेट होता है ओके ऑफ मोनोमरिक यूनिट का ओके तो ये स्ट्रक्चर है नेक्स्ट फॉर पॉलीडिस्पर्सिटी ऑफ पॉलीमर फॉर पॉलीडिस्पर्सिटी ऑफ पॉलीमर इफ वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट सेडिमेंटेशन एवरेज मालिकुलर वेट और बिस्कोसिटी एवरेज मॉलिकुलर वेट आर इक्वल हैं ओके ये सारे मॉलिकुलर वेट जो टेक्निक हैं वो इक्वल हैं इक्वल मॉलिकुलर वेट हैं देन स्टैंड फॉर देन ओके अगर इक्वल मॉलिकुलर वेट है देन स्टैंड फॉर कंप्लीटली होमोजीनियस सिस्टम ओके होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम ओके वो तो आप जानते ही हैं मोजीनियस सिस्टम क्या होता है हाइड्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है ओके okay? अगर अगर यह एमडब्ल्यू एम एन एम एमडब्ल्यूक्ल टू एम एन इज्कल टू एम जेड इजक्टल टू एम बी अगर इक्वल है तो स्टैंड फॉर कंप्लीटली होमोजीनियस ओके कंप्लीटली होमोजीनियस सिस्टम फॉर लेस देन अगर ये लेस देन है देखिए ओके okay? अगर ये लेस देन है देख सी एम एन लेस देन एम बी लेस देन और इक्वल टू एम डब्ल्यू और लेस देन एम जेड ओके अगर लेस होमोजीनियस सिस्टम है तो उसके लिए ये टेक्निक है एम एन लेस देन एम बी लेस देन एंड इक्वल टू एम डब्ल्यू एंड लेस देन एम जेड ओके तो ये होमोजीनियस सिस्टम फॉर पॉली डिस्पर्सिटी लेस होमोजीनियस सिस्टम के लिए है और ये कंप्लीटली होमोजीनियस सिस्टम के लिए ओके okay? ये कई बार पूछा जाता है कि होमोजीनियस सिस्टम लेस के लिए और कंप्लीटली के लिए कि मॉलिकुलर वेट जो है नंबर एवरेज वेट एवरेज सेडिमेंटेशन एवरेज विस्कोसिटी एवरेज कैसे सो करेंगे इक्वल रहेगा या एबो रहेगा ग्रेटर देन रहेगा या विलो रहेगा ओके okay? तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है शो करने के लिए ओके नेक्स्ट पीडीआई ओके पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स ओके पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स इट इज ए मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेट इन ए पॉलीमरिक सैंपल ओके पीडीआई क्या मेजर करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेट इन ए पॉलीमरिक सैंपल ओके इट इज मेजर पीडीआई क्या करता है मेजर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेट इन ए पॉलीमरिक सैंपल ओके इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट एंड वेट एवरेज मॉल्यकुलर वेट ओके एम एन एंड एम डब्ल्यू ओके पी डी आई इज कैल कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ एम एन एंड एम डब्ल्यू ओके नेक्स्ट पी डी आई इट इज द रेशियो ऑफ एम एन एंड एम डब्ल्यू पी डी आई जो होता है वो रेशियो भी होता है वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट एंड नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट ओके तो पी डी आई इज कल टू एम डब्ल्यू अपान एम एन ओके पी डी आई कैलकुलेट करना है एमडब्ल्यू दिया होता है एम एन दिया होता है उसको आप वैल्यू पुट करके यू कैन कैलकुलेट ओके एम एन इजक्ल टू पी डी आई वो ओके पी डी आई की वैल्यू अगर पी डी आई की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो सेवन से ग्रेटर देन है तो वो सैंपल कंसिडर होगा पॉली डिस्पर्सिटी में ओके okay? अगर जी, जीरो इफ पी डी आई वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पॉइंट सेवन देन पॉली डिस्पर्सिटी पॉली डिस्पर्सिटी इफ लेस देन जीरो पॉइंट जीरो फाइव देन मोनो डिस्पर्सिटी ओके अगर पीडीआई की वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन से ग्रेटर है तो पॉली अगर पीडीआई की वैल्यू लेस देन है जीरो पॉइंट जीरो फाइव से देन मोनो ओके पीडीआई किससे ऑप्टेन की जाती है ओके okay? पीडीआई किन किन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं इसको ऑप्टेन करने के लिए तो पीडीआई कैन ऑप्टेन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट डी एल एस ओके डीएलएस डायनेमिक लाइट स्केटरिंग ओके डी एल एस से मेजर की जाती है एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ओके इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से भी पीडीआई वैल्यू पॉलीमरिक मटेरियल की मेजर कर सकते हैं ओके ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी गाइस ओके थैंक यू